अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई मसालेदार। मसालेदार चिकन फ्राई करेंगे। एक किलो चिकन लिया है, उसमें इस तरह के कट लगवा लिए हैं। और मसाला जात में जो हमने चीज़ें दी हैं वो हैं एक टेबल स्पून नमक, एक टेबल स्पून मस्टर्ड सॉस, एक टेबल स्पून सिरका, दो टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, एक टेबलस्पून मोटी क्रश की हुई काली मिर्चें और एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें इसमें जाएंगी और इसका अब हम मैरिनेशन करके दिखाते हैं आपको। इस तरह से होगा इसका। सबसे पहले पिसी लाल मिर्च डालेंगे हम, बहुत स्पाइसी मिर्चा, फिर अदरक लहसुन, फिर काली मिर्च, इसके बाद नमक, उसके बाद सिरका, इसके बाद मस्टर्ड पेस्ट, तो फिर मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी इस तरह। ये देखिए, खूब अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूंगी। हमने देखिए सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। चिकन का कलर देख लीजिए, और भी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और फिर हम एक कप पानी इसमें डालेंगे। ये देखिए, अपने मसाले के पैन को हम इस तरह सारा मसाला इसका पानी के समेत डाल देंगे इसमें। और डालने के बाद और अच्छी तरह, खूब अच्छी तरह हम इससे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। एक कप पानी इसमें हमने डाला है, और अब हम इसे डायरेक्टली चूल्हे पर हम इसे रखेंगे। चूल्हे पर रख के हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। अभी दिखाते हैं आपको। तक हम इसको चूल्हे पर कुक करेंगे, और कुक करने के लिए हम इसको थोड़ा ढक्कन ढक देंगे। अब ये तेज़ आंच पर जो है वो इसे कुक करेंगे, पानी को खुश करेंगे, इतनी देर में चिकन जो है वो गल जाएगा। ये कुछ सब्जियां मैंने, हम पसंद करते हैं सब्जियों को क्योंकि बहुत हेल्दी होती हैं सब्जियां। इसमें हरी प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, ये चीज़ें मैंने स्कीवर में इस तरह से लगा ली हैं। और लगाने के बाद देखिए, मैं इसको तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के और इसको फ्राई होने के लिए रखूँगी। एक तरफ वो गलेगा चिकन, यानी कि तकरीबन 10 मिनट्स होगा, और दूसरी तरफ हमारी स्कीवर्स पे ये तैयार होंगी वेजिटेबल्स की। फिर चिकन को हम जो है वो डीप फ्राई करेंगे और साथ में उसके सर्व करेंगे स्कीवर्स के साथ, ठीक है, वेजिटेबल स्कीवर्स के साथ। तो फिर अब दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। चिकन हमारी जो है वो तकरीबन, पानी अब तकरीबन खुश्क होने पर है। इसको 5 मिनट के लिए मैं और छोड़ूंगी। और यहाँ पे हमारे जो स्कीवर्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं, वेजिटेबल स्कीवर्स। ये देखिए, बहुत मज़े की लगती हैं इसके साथ, ये बिल्कुल रेडी हैं। आप भी इस तरह बनाइए वेजिटेबल्स, बहुत मज़े की लगती हैं इसके साथ। ये देखिए, 10 मिनट्स के बाद जो है वो हमारी चिकन इस तरह की हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल डाल के उसे फ्राई कर लिया है, ऑयल को यानी गर्म कर लिया है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। ये देखिए, मैं फ्राई करूंगी चिकन के पीछे, बहुत मज़ेदार फैसला है इनका। ये देखिए, साइड इसका मैंने चेंज कर दिया है,
कलर इसका आप देखें कितना प्यारा वंडरफुल कलर आया है इसका, रेड रेड। और दूसरा ये घर के मसालों से आपके सामने बिल्कुल, कोई तिक्के मसाले, कोई तंदूरी मसाले इसमें नहीं गए हैं, जस्ट घर में मौजूद मसालों से आपके लिए ये फ्राइड चिकन बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, मेहमान आ जाए उनके लिए बनाएं। मुश्किल से आधा घंटे के अंदर अंदर जो है ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास घर में चिकन रखा हुआ है तो बहुत ईजी हो जाएगा फिर तो आपके लिए। तो चलिए अब हम ये रेडी हो चुके हैं, हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आप चाहें तो इन पीसेस पर चिकन भी, चिकन के पीसेस पर आप मसाला की स्लाइस भी डाल सकते हैं। ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है, आपकी सेहत पर डिपेंड करता है। आप बच्चों को देना चाहें तो बहुत अच्छा एनर्जेटिक रहेगा। ये देखिए इसको हल्का सा ये मैं लुक दूंगी इसी ऑयल का। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है इस तरह करने से, और मसाला जितना था वो इसमें आ चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये बने हैं। देखिए देखिए ये देखिए, ये आ गई हमारे चिकन के एक पीस, ये लेग आ गई और ये दूसरी अनदर लेग। और अब चलें इसको हम टेबल पे एंजॉय करते हैं आपके साथ। देखिए कैसा बना है ये, देखिए चिकन मसाला फ्राई घर के मसालों से मैंने आपके सामने बनाया है ये, और बहुत मज़े का, बहुत क्विकली बनता है। इसमें थोड़ी चीज़ डाल दी है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो चीज़ डालें और आप चाहें तो चीज़ ना डालें, आपकी मर्ज़ी, ऐसे भी आप खा सकते हैं। और साथ में इसके मैंने सर्व करने के लिए बनाया है ये वेजिटेबल्स की स्कीवर्स बनाई है। वेजिटेबल्स जो हैं वो सारी स्कीवर्स पे लगा के थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई करके हल्का सा नमक इस पर मैंने स्प्रिंकल कर लिया है। और इन वेजिटेबल्स के साथ जब इनको खाया जाएगा तो आप बहुत मज़ा करेंगे इसके साथ, बहुत इंजॉय करेंगे। इसी तरह अपनी प्यारी सी दावत छोटी सी फैमिली के साथ मज़े से बनाइए और खुश होकर खाइए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और प्यार से रहिए। और आइंदा हम भी इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।